फिर मत जाना। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ हनी के घर, उसके कॉन्टिनेंटल GT650 का हम लोग एग्जॉस्ट चेंज करेंगे आज। कौन सा एग्जॉस्ट एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं, उसने बताया था, मैं भूल गया, बट जो भी है सही है। आज उसका फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो गया बाइक का, तो आज के आज हम लोग साइलेंसर बदलेंगे, एग्जॉस्ट बदलेंगे। तो जल्दी से चलते हैं वहां पे। तो वी आर हियर, बाइक यहाँ है, यह अभी स्टॉक एग्जॉस्ट फर्स्ट सर्विस के बाद वॉश वगैरह होके आया है और यहाँ पे रखा हुआ है जो एग्जॉस्ट जो हमें लगाना है। अभी अनबॉक्स करेंगे इसको। ब्रांड AW। ये है स्टॉक एग्जॉस्ट का आवाज। ठंडा हुआ थोड़ा मोड़ा तो हुआ है, लेकिन और करना होगा। हाँ थोड़ा सा और, बस अंदर वाला पाइप गर्म है, ऊपर से तो हो गया। नहीं नहीं भाई नहीं हुआ, 2 सेकंड से ज़्यादा छू रहे तो दिक्कत हो रहा है। वो तो अनबॉक्स हो गया है, हम लोग तब से एग्जॉस्ट को सुखाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब ठंडा करने का कोशिश कर रहे हैं। कपड़ा वपड़ा डाल ये स्टॉक एग्जॉस्ट और ये AW, वेट में बहुत अंतर है, लेकिन 10 kg है स्टॉक ऑलमोस्ट। खुल गया एक साइड का बहुत मेहनत के बाद, लगा ही देते हैं उसके बाद दूसरा साइड। अब इधर दिक्कत क्या है ना, देखो इधर हम लोग को एंगल से ही मिल रहा था, इधर तो और ऐसे झुका हुआ, इधर कैसे करेंगे, इधर और दिक्कत होगा। क्या नया लगा देना है पहले? You know.
एक साइड का एग्जॉस्ट लग गया कंप्लीट, यहाँ पे टाइट हुआ, यहाँ पे क्लैंप टाइट हुआ। डिफरेंस कितना बड़ा दिख रहा है, सही है छोटा सा। खाली रेव करने पे आवाज आ रहा है, पटाखा मारेगा भाई। छोड़ दीजिए नया गाड़ी को। चल अरे भाई अबे गिर मत जाना। इसमें चलाते टाइम उतना नहीं पता चल रहा अंतर अभी, लेकिन पीछे बैठे ना तो अंतर पता चल रहा था। ना वाइब्रेशन में कुछ अंतर है, ना स्मूथनेस में, चलाने में बिल्कुल अंतर नहीं लग रहा है, मतलब स्टॉकेज ऐसा लग रहा है। अब डीबी किलर खोलने में मज़ा आएगा ना। तो यार साउंड तो काफ़ी तगड़ा है, मतलब चलाते हुए उतना फील नहीं हो रहा है, बट पीछे बैठ के जो बैठ के चल रहे थे तब फील हो रहा था अच्छा से कि एग्जॉस्ट चेंज हुआ है, दूर से पता चल रहा। और सबसे अच्छा चीज़ आइडल पे बिल्कुल नॉइज़ नहीं है, मतलब स्टॉक जैसा ही है। जब इसको आप भगाइएगा थोड़ा, 2-3 हज़ार RPM पार करता है तब ये आवाज़ करता है, तो काफ़ी सही है। तो अब हम लोग डीबी किलर को खोल के भी टेस्ट करेंगे कि कैसा साउंड आता है। देखो भाई गरम है एग्जॉस्ट हिसाब से। अरे गरम नहीं हुआ है, डीबी किलर भी खुल गया। अब इसको स्टार्ट करके देखेंगे कैसा आवाज़ आ रहा है। हल्का सा बढ़ा है आवाज़ आइडल में, रेव कर। अरे भाई तगड़ा आवाज़ है। अबे चोट लग रहा है भाई इतना दूर हमको यहाँ पे, देखो बहुत तगड़ा आवाज़ है। तो अब हम लोग चला रहे हैं डीबी किलर हटा के, विदाउट डीबी किलर
फील हो रहा है कि आवाज है। आवाज तो सही है भाई। तो लेट्स एंड द वीडियो हेयर और आगे राइड्स में आपको दिखेगा ये बाइक। तो काफ़ी देर हो रहा है, बारिश आने वाला है, मेरा बाइक इधर है, मैं निकलता हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाय।